this shit, Bob. जिम में घटी डरावनी और अजीब घटनाएं। भाई क्या आप भी फिटनेस के दीवाने हैं? वैसे अगर आप फिटनेस के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा, बट अगर आपका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पर क्यों, ये आपको आखिरी में समझ में आएगा। आइए चलते हैं जिम में उन लोगों को देखने जो नियमों से अलग अपना काम करते हैं। ये भाई साहब जिम में बेंच पर लेटे थे और वेट उठा रहे थे। पीछे ट्रेनर भी खड़ा था, लेकिन जितना वेट ये उठा रहे थे उसे संभालना इनकी तो छोड़िए, इनके ट्रेनर के बस की बात भी नहीं रही और आखिरकार उनकी गर्दन टूटते टूटते बची, क्योंकि वेट वाली रॉड इनके गर्दन पर आकर गिरी। इसे कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला। हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाती रहेगी। इनके नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। भाई एल गार्ड की अहमियत वही आदमी समझता है जिसे उसकी खतरनाक जगह पर चोट लगी हो। क्रिकेटर एल गार्ड का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करते हैं कभी कभी उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मगर इन भाई साहब ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आपको एल गार्ड पहनना कितना जरूरी है, वरना आपके साथ वो हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं। वैसे ऐसी अतरंगी एक्सरसाइज करने का आइडिया कभी आपके दिमाग में भी आया है क्या? वेट उठाना बहुत अच्छा काम है भाई, इसी से तो आपकी मसल्स भी मजबूत होती हैं। मगर मैडम ने कुछ ज्यादा ही वेट उठा लिया, उसके बाद मुश्किल में फंस गईं। ऐसी कंडीशन में अगर समय पर कोई मदद ना मिले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मगर फिर भी गनीमत ये रही कि वेट को इन्होंने आगे फेंक दिया। अगर ये पीछे की तरफ पलट कर गिरती तो क्या हाल होता, ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब ये बात इनको समझ में आ गई होगी कि ऊपर उतना ही वजन उठाओ जितना कि आसानी से नीचे रख सको। पैरों की स्ट्रेंथ के लिए जंप मारना भी बहुत अच्छी बात है। लगता है जिम में जंप मारने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन भैया जंप मारने से पहले ये देख लिया जाता है कि अगर गिरे तो दांत टूटेंगे या फिर कमर। लेकिन ये भाई साहब बिना किसी मेजरमेंट के जंप मारने का काम कर रहे थे। लगता है इन्होंने अपने लिए जो रैम तैयार किया था वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया था, धड़ाम से नीचे गिर पड़े कमर के बल। इसे कहते हैं भाई ऊंचे लोग ऊंची पसंद। महिलाओं का दिमाग जबरदस्त होता है और खूबसूरती के क्या कहने, उनकी खूबसूरती के सभी कायल होते हैं। हम तो हैं ही, आप हैं कि नहीं, लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें पक्का यकीन है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए ये मोहतरमा साइकिल मशीन पर किस अंदाज में एक्सरसाइज कर रही हैं, और इसके बाद मशीन को लेकर सीधे नीचे पलट गईं। पैरों की एक्सरसाइज करते हुए अक्सर आपने जिम में लोगों को देखा होगा बेंच पर लेटकर पैसों से वजन उठाना, यानी अपनी थाइस की जोर आजमाइश करना। लेकिन दोस्त हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर उसे क्रॉस करोगे तो परिणाम कुछ ऐसा ही निकलेगा जैसा इनके साथ हुआ। बच गए, वरना टूट जाती टांग, पहुंच जाते हॉस्पिटल। क्या ख्याल है, वीडियो में मजा तो आ रहा होगा ना? अरे तो फिर देर किस बात की यार, आगे बढ़े। इसके पहले आप वीडियो को एक लाइक मार दो, इतना लाइक करो कि जितने भी हमारी टीम के लोग हैं वो सभी हंस हंस के लोटपोट हो जाएं। इसके लिए कम से कम 1000 लाइक चाहिए। ये मोहतरमा सबके सामने खड़े होकर वेट उठा रही थी, लेकिन वेट उठाने का ऐसा अंदाज आज से पहले आपने कहीं देखा है? सारे के सारे वेट लिफ्टर दोनों हाथों से वेट उठाते हैं और उसे दोनों ही हाथों से संभाल कर भी रखते हैं, लेकिन इन्होंने तो अपना एक हाथ खुला छोड़ दिया। इसके बाद वेट उठाने की कोशिश करने लगी, गिरने से तो ये बच गई, लेकिन इन्होंने वेट उठाने की जिस आर्ट का प्रदर्शन किया उसे कृपया करके कोई भी आप घर में न ट्राई करें, वरना क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। रूल तोड़ना किसे पसंद नहीं, सभी को अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मी यार। ये और बात है कि जब रूल्स तोड़ने के एवज में पे करने की बारी आती है तो ये मूवमेंट किसी को पसंद नहीं आता। ट्रेडमिल पर आप अक्सर दौड़ते होंगे, लेकिन ये भाई साहब ट्रेडमिल पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभ्यास कर रहे हो, वो भी बिना रस्सी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के। आपको क्या लगता है, अगर ये ट्रेडमिल से गिरे तो अपनी नाक बचाएंगे या फिर बेचारा ट्रेडमिल शहीद हो जाएगा? ये भाई साहब बेंच प्रेस कर रहे थे और वो भी इतने भारी भरकम वेट के साथ, और ये मोहतरमा इनकी मदद कर रही थी। वेट उठाने के बाद इन्हें अपने हाथों को हरकत देनी थी, लेकिन ये बेचारे अपनी गर्दन को हरकत दे रहे थे। आप खुद ही देख लीजिए कि इनका ध्यान कहाँ है, और अगर समझ में आए तो हमें भी बता दीजिए कमेंट करके। ट्रेडमिल पर अगर आपको दौड़ना है तो इस पर आने का तरीका ये है कि आप उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग पैरों को चलाते हुए
ट्रेडमिल पर रनिंग स्टार्ट करें। लेकिन ये भाई साहब पहले ट्रेडमिल पर चढ़ गए और फिर उसे स्टार्ट किया। नतीजा इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और इन्होंने धूल चाट ली। वैसे इन भाई साहब को देखिए, ये बड़े आराम से वीडियो बना रहे हैं और ये बेचारी ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते नीचे गिर पड़ी। लड़की के गिरने के बाद वीडियो बना रहे लड़के ने पूछा, आर यू ओके? वैसे अगर ऐसा हमारे यहाँ किसी जिम में होता तो नज़ारा क्या होता, इमेजिन। ये भाई साहब किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर ओलंपिक में जिमनास्टिक पदक हासिल करने की तैयारी, आप खुद ही देख लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, क्या आपने इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए पहले किसी को देखा है क्या? ये भाई साहब शायद पुलअप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर की रॉड को पकड़ने के लिए जंप मारी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए कितनी बुरी तरह से ये नीचे गिरे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दोबारा पुलअप करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब इस वीडियो में देखिए, भाई साहब वेट उठाकर उसे ऊपर नीचे करने की बजाय लेकर आगे चल रहे हैं, वो भी अपने ही अंदाज में। इस तरह से किसी को आपने जिम में अभ्यास करते देखा है क्या? भाई जिम में ऐसी एक्सरसाइज तो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये अंकल जिस ढंग से टेबल पर अपने पैर को टच करके वापस ला रहे हैं, ये इनकी कैपेसिटी को शो करता है। लगता है इन्होंने मूर्ति भी सामने अपने ट्रेनर की लगा रखी है। ये मैडम डंबल से एक्सरसाइज कर रही थी मगर भूल गई कि जिस जगह खड़ी हैं उसके ऊपर बल्ब भी जल रहा है। दे मारा डंबल बल्ब के ऊपर और बल्ब गिरा सीधा इनके सर के ऊपर। बत्ती बुझ गई और इसके साथ ही बुझ गया इनके जिम करने का मूड। तो भैया, बत्ती बुझने पर आप कौन सा मूड ऑन कर बैठेंगे? अब इस दुबले पतले से लड़के को देखिए। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ग्लास डोर के सामने खड़े होकर उसने जो किया उसे आप क्या कहेंगे, इसका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अपने मसल्स का प्रदर्शन कर रहा है और वो भी कैमरे पर। कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि अपनी बेवकूफी का नमूना देते देते नुकसान कर बैठते हैं। ये भाई साहब अपनी हैसियत से बढ़कर वजन उठा रहे थे, उसे उठा भी लिया लेकिन नीचे रख नहीं पाए, बल्कि वजन लेकर सीधा सिर के बल नीचे गिर पड़े। ऐसा करना बड़ा खतरनाक हो सकता है, सो बी केयरफुल। पहलवान जैसी बॉडी वाले इन भाई साहब को देखकर लगता है कि ये पूरा वेट बड़े आराम से उठा लेंगे, लेकिन जब वेट उठाने की बारी आती है तो इनकी हवा निकल जाती है और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। आप खुद ही देख लीजिए, ये लड़की एक छोटे से स्टूल पर छलांग मारकर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसका पहला पैर स्टूल पर पड़ा, स्टूल नीचे गिर गया और फिर बेचारी लड़की भी गिर गई। शुक्र है कि चोट केवल गालों पर आई, अगर सीधा मुंह केवल गिरती तो 2 दांत भी चले जाते। कुछ लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आगे चलकर गड़बड़ हो जाता है। इन मोहतरमा ने भी जंप मारने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब जंप मारने की बारी आई तो ये खुद गिरी और अपने साथी को भी लेकर गिरी। भाई इस तरह से गिरने पर चोट जबरदस्त आती है। ये साहब शायद अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं या इस तरह से अपने हाथों को पनिश कर रहे हैं। इनका चिल्लाना देखकर लगता है कि शायद अपनी जुबान को सजा दे रहे हैं। इस तरह से कौन करता है यार, इन्होंने वेट की जगह 2 लड़कियों को लटका रखा है। वाकई में ये बेंच प्रेस करने का नया तरीका है। अगर आपके पास भी इंतजाम हो 2 सहेलियों का तो आप इस तरह से बेंच प्रेस कर सकते हैं। ये अंकल जिम में क्या करने आए हैं ये आप समझ सकते हैं। भाई कोट पैंट पहनकर कोई जिम में आता है क्या? लेकिन ये अंकल चालू हो गए कोट पैंट पर ही जिम के अंदर वेट खेलना। तो आपको पता नहीं कि वेट से खेलना और वेट को झेलना 2 अलग अलग बातें हैं। तो दोस्तों, ये थे जिम के भीतर घटे हुए फनी मोमेंट्स। जो जिम के शौकीन हैं उन्होंने तो इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेकिन जो पहली बार जिम के अंदर का नज़ारा देख रहे हैं उन्होंने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इनमें से सबसे फनी मोमेंट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।